आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर ने भारत सहित पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यही कारण है कि दुनिया भर के अनेक देशों में लॉकडाउन किया जा रहा है। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहां की औद्योगिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार 8 अप्रैल की शाम 6 बजे से सोमवार 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया था, किंतु कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में अब इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा सहित कई शहरों में लॉकडाउन की अवधि 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। इंदौर में अब 1000 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं तथा अब तक की मृतक संख्या भी 1000 हो चुकी है। ऐसे में शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इंदौर की बांग पंचायत में कांग्रेस नेता एवं पूर्व सरपंच सोहरा पटेल की अगुवाई में अनेक वैक्सीनेशन कैंप लग चुके हैं। यहां पर अब तक 2000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। रविवार को भी यहां के ग्रीन पार्क कॉलोनी में प्रशासन के सहयोग से वृहद वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों ने उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सोहरा पटेल ने कहा कि लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें दूर किया जा रहा है तथा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का महत्व बताने के साथ ही घर से बाहर निकलने पर लगातार मास्क पहनने, सैनिटाइजर एवं साबुन का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निवेदन भी किया जा रहा है। माघ में ये हमारा तीसरा शिविर है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कोविड महामारी को लेकर जो चल रही है, बाकी अफवाहें भी चल रही है, मगर हम ऐसे दौर में लगातार कोशिश करके हमने कम से कम इस पंचायत में 2000 लोगों को हमने टीका लगवा चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टीका लगे, जिससे कि कोरोना की जो महामारी चल रही है उससे आम लोगों को बचाया जा सके। जो शासन का और सरकार का जो प्रयास है उसमें पूरी मुस्तैदी से हम काम कर रहे हैं और पूरा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल चुका। अभी हमने लगभग पूरी पंचायत में 45 से ऊपर वालों को 2000 लोगों को हम अभी ये टीका लगवा चुके हैं। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पंचायत में, हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में है, कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पंचायत में 45 से ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टीका की सुविधा मिले। जैसे कि अल्पसंख्यक क्षेत्र, तो किस तरह का प्रतिसाद यहाँ मिल रहा है? ऐसा कुछ लोगों में नई नई तरीके की वो है, मगर हम बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि सब ये गलत बात है। लगातार शासन प्रशासन आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहा है, सभी को हमारा लक्ष्य और हमारा काम है कि मजबूती से हमें इस टीका को लगाना है और कैसे कोरोना की जो रोकथाम हमें करना है उसमें कहने के जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। कई लोगों को उसका डर भी लग गया, तो उसको लेकर किस प्रकार संदेश दी जा रही है आपके माध्यम से? नहीं, लगातार हमने, क्योंकि हमने खुद ने लगा के लोगों को बताया कि ये एक दहशत है, लोग अनर्गल बात करते हैं। ये चूँकि टीका जो है आप लोगों की सेहत के लिए है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये कोरोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ये शासन और प्रशासन जिस तरीके से कोशिश करके लगवा रहा है, ऐसा जरूर लोगों में थोड़ी सी भ्रांति है, मगर हम दूर कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, लोगों को बगैर मास्क के हम किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं।